किसानों के एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान शंभू बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी किसान की जान चली गई अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा के अम्बाला के पास शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों में से एक तिरसठ साल के ज्ञान सिंह को दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी जान चली गई रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान सिंह नाम के किसान की सुबह सीने में दर्द की शिकायत की जिसने बाद में उन्हें पंजाब के राजपुरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया अधिकारी ने बताया कि उन्हें फिर वहां से पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले ज्ञान सिंह को दो दिन पहले किसानों के दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने के लिए सम्भु सीमा पर आए थे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अन्य मांगे हैं किसान संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं जिसके बाद कई दौर की बातचीत के बाद भी इसका हल नहीं निकल पाया संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया था किसानों ने मंगलवार को मार्च शुरू किया और तब से पंजाब और हरियाणा के शंभू और खरौनी सीमाओं पर डेरा डाले हुए किसान यूनियन नेताओं और सरकार के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रहा अगले दौर की बातचीत अब फिर रविवार को होगी बता दें कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से राजधानी दिल्ली में भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है संयुक्त किसान और किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है इसके चलते बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग चल रही है इसके चलते दफ्तर का समय शुरू होते ही ट्रैफिक जाम की भारी समस्या भी देखा गया वहीं आपको बता दें कि जिस तरह किसानों का ये आंदोलन चल रहा है शंभू बाडर हो या हरियाणा पंजाब से सटे जो भी बार्डर है इस पर भारी हंगामा किसानों के द्वारा किया गया जिसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो प्रशासन है उनके तरफ से वहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर धन्यवाद